नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक हो रही भाजपा नेताओं की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। भाजपा चारों तरफ से कमलनाथ सरकार को घेर रही है। सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। इस बीच मंगलवार को भाजपा नेता मनोज ठाकरे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि समझ नहीं आता मध्य प्रदेश में सरकार कौन चला रहा है, प्रदेश का असली मुख्यमंत्री कौन है। सवाल मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछा जाता है और जवाब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह देते हैं। वादे के मुताबिक कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए किसानों से आवेदन भरवाए जा रहे हैं और लिस्ट पंचायतों में चस्पा की जा रही है। हालांकि इसमें कई गड़बड़ियां भी सामने आने लगी हैं। कहीं कर्ज माफी की जगह 25 रुपए का कर्जा माफ हो रहा है तो कहीं किसान कर्ज माफी लेने से इनकार कर रहे हैं। वहीं दमोह के हटा में एक नया ही मामला सामने आया है। यहां कर्जदार किसानों की सूची में पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया का नाम भी शामिल किया गया है, जबकि उन्होंने आवेदन ही नहीं किया। बकायदा उनके नाम से करीब 1,61,000 रुपए का कर्ज बकाया दर्शाया गया है। लिस्ट के सामने आते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांगे सुर्खियों में हैं। पहले करीना कपूर को लोकसभा चुनाव लड़ाने जाने की मांग के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठाई है। बाकायदा पोस्टर लगाकर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने की मांग की जा रही है। मंडीदीप की हिमांशु कॉलोनी में मंगलवार रात एक मकान में 12 दिन की नवजात समेत 4 लोगों के शव मिले हैं। फोन पर सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। करीब 110 वर्ग फीट के कमरे में 2 पलंग पर 3 जबकि जमीन पर 1 शव पड़ा था। पास ही घर के मुखिया बेसुध बैठे थे, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। मंत्रियों को अपने महकमे का ध्यान रखने के साथ कार्यकर्ताओं के लिए भी समय निकालना होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रियों से कहा है कि वे जब भोपाल में रहें तो पीसीसी भी जाएं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण भी करें। कांग्रेस संगठन ने भी मुख्यमंत्री की भावनाओं से मंत्रियों को अवगत करा दिया है। वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र राठौर बुधवार से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसके 2 दिन बाद 25 जनवरी को ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह पीसीसी में बैठेंगे। अन्य मंत्रियों ने अभी पीसीसी पहुंचने का अपना कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं किया है। भोपाल शहर में पिछले 3 दिन से मौसम अलग अलग रंग दिखा रहा है। रविवार से मंगलवार तक दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक का उतार चढ़ाव रहा। मंगलवार सुबह सूरज उगने से पहले साकेत नगर, होशंगाबाद रोड, मिसरौद, बरखेड़ा, पठानी, भेल समेत शहर के कई इलाकों में धुंध छाई रही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जेनाविन सेल्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।